अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब इससे पहले मैंने आपको जितना भी काम करवा दिया है वो सारा का सारा काम यहाँ पर डिवाइड अगर करूँ तो क्लासिकल फिजिक्स से बिलोंग कर रहा था। अब बोहर एटॉमिक मॉडल और उसके आगे का काम ये आपके मॉडर्न फिजिक्स से रिलेट करता है। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप जाहिर केमिस्ट्री का भी कंपोनेंट होता है। अब जो नेक्स्ट आपकी थ्योरीज हैं वो मॉडर्न थ्योरीज है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एक आपके जब मॉडर्न फिजिक्स के टर्म्स में हम बात नहीं कर रहे थे, हम एनर्जी पैकेट्स यानी क्वांटा, आपने एक वर्ड पीछे पढ़ा कि आपके पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, उसमें जो एनर्जी पैकेट है उसको आप एक क्वांटा कहते थे, वो आपके एक फोटोन की एनर्जी के बराबर था। तो ये जो आपके पास नई थ्योरी आई है ये प्लैंक साहब थे उन्होंने दी थी, मैक्सवेल प्लैंक, और उन्हीं की बेसिस पे आगे आपकी क्लासिकल थ्योरी बाद में कन्वर्ट हो गई थी मॉडर्न थ्योरी में। तो दो हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरीज में और एक हम डिवाइड कर देते हैं मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरीज में। तो अगर इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो सबसे पहले 1900 में जो मैक्सवेल प्लैंक साहब थे इन्होंने एक क्वांटम नेचर के मुताबिक अपनी एक थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि एक थ्योरी मैं प्रपोज कर रहा हूँ क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस। आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जंप जब करता है इलेक्ट्रॉन आपके एक शेल से दूसरे शेल में जब जंप करेगा तो वो एनर्जी या तो आपकी एब्जॉर्ब करेगा या इमिट करेगा। अगर हायर से लोअर आ रहा है तो इमिट करेगा, लोअर से हायर जा रहा है तो एब्जॉर्ब करके जाएगा। ये आपकी जो क्वांटम नेचर होती है ऑफ रेडिएशंस एंड एनर्जी ये इन अ फोटोन वेव के नेचर के फॉर्म में होती है, और इसको इन्होंने इसको कहा था क्वांटम थ्योरी। अब जो एनर्जी आपको पीछे मैंने पढ़ाई थी बोहर एटॉमिक मॉडल में वो पढ़ाई थी E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर ये आप इसको न्यू को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो एच एफ भी कह सकते थे लेकिन आपकी किताब ने न्यू यू उसके अवे वर्ड तो न्यू कहें एच न्यू। आपके पास ये जो एक वैल्यू आई है ये बराबर है एक फोटोन की एनर्जी के। फोटोन क्या है? एक ऐसा पार्टिकल जो डुअल नेचर रखता है, वो एट अ टाइम एज अ वेव भी अपने नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और वेव के अलावा वो पार्टिकल की नेचर भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल है जो मैंने पकड़ा हुआ है, इसको मैं अगर फेंकूंगा कहीं पे भी तो ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा, लेकिन जो मेरी आवाज इस वक्त निकल रही है ये भी कमरे में ट्रेवल कर रही है। तो इस पार्टिकल को मैं फेंक रहा हूँ ये एज अ पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, और जो मेरी आवाज निकल रही है ये एज अ वेव ट्रेवल कर रही है। तो इन्होंने कहा कि जो बहुत छोटे सब एटॉमिक लेवल में पार्टिकल्स होते हैं ये दोनों नेचर रखते हैं, ये अपने अंदर दोनों नेचर रखते हैं, ये एज अ वेव भी ट्रेवल करते हैं और एज अ पार्टिकल भी ट्रेवल करते हैं। यानी कि अगर ये बहुत छोटा सब एटॉमिक लेवल पे होता, ये मार्कर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के साइज का होता, तो इस वक्त ये मार्कर दोनों नेचर रखता, ये अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता तो एज अ पार्टिकल भी मूव करता जैसे अभी मूव कर रहा है, या जैसा अभी मेरी आवाज आपको नजर नहीं आ रही लेकिन वो वेव्स की फॉर्म में मूव कर रही है तो ऐसे वो भी मूव करती। वेव्स आप सबने देखा हुआ है, अगर आप लेट सपोज कोई ऐसे पानी में पार्टिकल डाल दें तो वेव्स जनरेट हो जाती है पानी में। घर पे एक बर्तन लें, बड़ा सा बाउल लें और या गहरी प्लेट लें, उसके अंदर पानी डालें और फिर जब वो पानी बिल्कुल स्टिल हो जाए उसके बीच में कोई एक पार्टिकल डाल दें। अब वो कोई भी पार्टिकल हो सकता है, आप मिट्टी या पत्थर का छोटा टुकड़ा भी लेके डाल दें, आपको रिपल्स बनते हुए नजर आएंगे। वो रिपल्स बेसिकली वेव्स की फॉर्म है। तो बहरहाल क्वांटम थ्योरी आपके पास स्टार्ट अगर हम करते हैं ईयर 1900 से, तो मैक्सवेल प्लैंक से इन्होंने क्वांटम थ्योरी दी थी और उन्होंने प्रपोज किया था क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड एनर्जी, ये दोनों फोटोन के अंदर होते, फोटॉन आपके इन अ फोटोन वेव ई इज इक्वल टू एच न्यू के बराबर। फिर ये जो क्वांटम थ्योरी थी इसको आइनस्टाइन ने एक्सेप्ट किया, आइनस्टाइन ने 1905 में इसको एक्सेप्ट किया और फिर उसकी बेसिस पे उन्होंने अपनी एक इक्वेशन बना के दी जिसको आपने पढ़ रखा है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये बताती है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड मास, तो आपकी एनर्जी जब मास में कन्वर्ट होगी या मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे होगा। और ये जो आइडिया था, ये जो थ्योरी इन्होंने उठाई थी वो प्लैंक यानी प्लैंक साहब की थ्योरी थी।
तो बहरहाल ये जो क्वांटम थ्योरी आपको प्लांक साहब ने दी, एक्सेप्टेड की अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन 1905, एंड प्रपोज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय वेव पार्टिकल डुअलिटी, डुअलिटी यानी डुअल नेचर, वेव और पार्टिकल दोनों अलग चीज है, और इतने छोटे पार्टिकल्स में ये दोनों नेचर पाई जाती है, दोनों चीजें मौजूद होती हैं, और फॉर्मूला इनका इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर था। नेक्स्ट, इसके बाद आपने ये टॉपिक पीछे पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास में, नील बोहर साहब ने यही 1913 के अंदर थ्योरी उठाई थी, क्वांटम थ्योरी उठाई, और उसकी बेसिस पे जो आपके पास छोटे पार्टिकल्स, छोटे एटम्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन, उसके स्पेक्ट्रम को पूरा इन्होंने, उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है, बोहर साहब ने क्या किया था, रदरफोर्ड को बताया था कि आपने जो कहा कि आपके मॉडल में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, वो कंटिन्यूस के बजाय लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को इन्होंने जब प्रूफ किया तो वो इन्हीं की थ्योरी की बेसिस पे किया था। तो बहरहाल 1913 के अंदर नील बोहर साहब ने कंटिन्यू किया टू यूज क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि विद एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम अगर याद हो तो MVR होता है, और मैंने बताया था कि ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है, विच इज दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये आपके पास जो रिलेशन दिया था नील बोहर साहब ने दिया था, और ये जो रिलेशन आया था ये बेसिकली मैक्सवेल प्लैंक साहब ने दिया था। तो ये 1913 में बोहर साहब ने संभाल लिया एंड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैं आपको किताब की हद तक लेके चल रहा हूँ, मैं इससे और डिटेल में जाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो भी सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम किताब के ऊपर बात करेंगे, किताब की हद तक रहेंगे, इससे ज्यादा आप लोगों का दिमाग अभी एब्जॉर्ब करने के काबिल नहीं है। तो ये बेसिकली कुछ आपकी थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में, क्योंकि लाइट को हम कंसिडर करते हैं फोटॉन्स हैं ये, जब आपके ऊपर लाइट पड़ती है, ज्यादा धूप आपकी जब निकली होती है तो आपको धूप चुभती है, क्यों चुभती है, उसकी एक अजम्पशन ड्रॉ की जाती है कि वो फोटोन पार्टिकल इतनी स्पीड में आके आपकी बॉडी से टकराते हैं कि वो आपको चुभना शुरू होता है, और उसकी वजह से टेम्परेचर भी आपका राइज होता है, तो बॉडी टेम्परेचर और बाकी चीजें भी राइज होती है, एक अजम्पशन है। अब ये जो कमरे में लाइट आपकी जल रही है, इसमें जो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं वो उतने स्ट्रांगली इमिट नहीं हो रहे जितना सनलाइट से इमिट होते हैं, वेर सन लाइट जो सन है वो अपनी रेडिएशन अपने स्टार्टिंग पॉइंट, जो सन का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से शुरू करता है, फिर आपके पास मरकरी, वीनस, और उसके बाद जाके अर्थ आता है, जाहिर है अच्छी खासी उनके पास एक तो स्पीड होती है, एनर्जी होती है, तो सनलाइट के पास ज्यादा फोटॉन्स हैं एज कम्पेयर टू जो आप यहाँ पर LED से निकालते हैं, ये जो आपकी लाइट है उससे निकालते हैं। तो बहरहाल आपके जो लाइट है उसकी क्वांटम थ्योरी यहाँ पर इन तीनों ने दी। तो ये हिस्ट्री आ गई 1900 से लेके 1913 तक। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है डी ब्रोगली हाइपोथीसिस, तो पहले ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे विच इज डी ब्रोगली हाइपोथीसिस। डी ब्रोगली भी एक साइंटिस्ट थे, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन?